जी वीडियो नंबर टू जिसमें हम एल्कीन चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं अब एक बड़ी सिंपल सी बात है आप सोचें जो एल्केन्स है ना जैसा कि फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया गया था कि नेचर वाइज नॉन पोलर है अब जो कंपाउंड वाइज नॉन पोलर होगा मान के चलिए उसकी रिएक्शन कहीं ना कहीं आयनिक तो हो नहीं सकती हैं उनकी जो रिएक्शंस होंगी वो फ्री रेडिकल टाइप की होने वाली हैं उनकी जो रिएक्शंस हैं वो फ्री रेडिकल टाइप की होने वाली हैं तो करना क्या है इनके अंदर सारे के सारे बोंड सिंगल होने की वजह से जो दूसरा करेक्टर इसमें आएगा वो आएगा जो रिएक्शंस का फर्दर टाइप है या पार्ट है वो होगा सब्सटीट्यूशन वो होएगा सब्सटीट्यूशन ठीक है जी तो एल्केन्स है नॉन पोलर नेचर के हैं फ्री रेडिकल्स ही इस पे अटैक कर सकता है आयनिक मैकेनिज्म नहीं होगा दूसरा इसमें सब्सटीट्यूशन होने के चांसेस ही होंगे क्योंकि ऑल आर द सिंगल एंड सिग्मा बॉन्ड्स चलिए सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ते हैं जो ट्वेल्थ क्लास के हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड में भी आपके काम आएगा वो है हेलोजिनेशन सबस्ट्रेट इसका श्योर एल्केनी होगा एल्केन्स रिएक्ट विद ब्रोमीन और क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट और इन डार्क एट हाई टेंपरेचर टेंपरेचर दिया है 250 से 400 डिग्री फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल इथेन का क्लोरीनेशन क्लोरोरेट फर्दर क्लोरीनेशन थाइलीन क्लोराइड फर्दर क्लोरीनेशन क्लोरोफॉर्म फर्दर क्लोरीनेशन सी सी एल 4 तो इसमें खास बात आप देखें कि मीथेन को क्लोरीन एक्सेस में दे दिया गया है और फिर एक चेन रिएक्शन चलते हुए फिर एक चेन रिएक्शन चलते हुए हमें फिर एक चेन रिएक्शन चलते हुए हमें यहां मिथाइलिन से क्लोरोफॉर्म से सी सी एल 4 तक एंडिंग हो गई है

रिपल्शन है दैट्स वाई इस बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा ही आसान है तो कभी पेपर में आ गया वट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन टूवर्ड्स द एल्केन तो आपका आंसर होएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन रिएक्ट फास्टेस्ट फ्लोरीन रिएक्ट फास्टेस्ट ठीक है जी चलिए बहुत बातें इसमें और जानने की है हमारे पास डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव अगर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करवाऊंगा तो एक्सप्लोजिव होएगा एंड कैन बी अचीव्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स ऑन और ऑन ब्रोमो और आइडो डेबिटि पते हुआ क्या इसको ना हम लोग चैप्टर में जाकर इसको हम लोग चैप्टर में जाकर स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोलते हैं इसको हम चैप्टर में स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोलते हैं तो जब आपने सबसे पहले क्लोरो ब्रोमो प्रोडक्ट्स बना लिए उन पर एच इन ऑर्गेनिक फ्लोराइड्स चाहे तो आप AGF पुट कर सकते तो उससे फ्लोरोएल्केन और HGBr2 बन गया ब्रोमिनेशन इज स्लोअर देन क्लोरिनेशन एंड इज कैरिड आउट एट हाई टेंपरेचर इसको हम हाई टेंपरेचर पे करवाएंगे तो फ्लोरिन में आर्क चाहिए क्लोरीन में थोड़ा डिफ्यूज्ड लाइट चाहिए ब्रोमीन में टेंपरेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और आयोडिनेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अगर आप मीथेन का आयोडिनेशन करवा रहे हैं तो मिथाइल आयोडाइड HI हाँ जो बना ये HI हाँ एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबिलिटी लेकर आएगा अब उस रिवर्सिबिलिटी को रोकना है इफ यू वांट टू स्टॉप द रिवर्सिबिलिटी अगर आप रिवर्सिबिलिटी को रोकना चाहते हैं तो इस रिड्यूसिंग एजेंट HI हाँ को यहां से ताना जरूरी है आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल एंड कैन बी कैरिड आउट सफिशिएंटली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड लाइक एचजीओ क्या होएगा एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट जो आपका जो आपका ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये एक अच्छे ऑक्सिडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में चाहे वो एचआईओ3 हो चाहे वो एचएनओ3 हो चाहे वो hgi2 हो ठीक जी तो अब रिएक्शन फॉरवर्ड में तो आपने सुना होगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल तो आयनिक इक्विलिब्रियम का फंडामेंटल ओबे करते हुए रिएक्शन फॉरवर्ड 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 शिफ्ट होती चली जाएगी एल्काइल आयोडाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड कन्वीनिएंटली बाय फिंकलस्टीन रिएक्शन अब तो देखो आयोडाइड बनी नहीं तो एल्कीन चैप्टर में ही अल्काइल हैलाइड का फिंकलस्टीन का नाम आया फ्लोरीनेशन तो वो करवाना है तो स्वार्ट्स रिएक्शन अगर आप आयोडिनेशन करवाना चाहते तो उसमें थोड़ा सा रिवर्सिबिलिटी का चक्कर था तो बने बनाए ब्रोमाइड और क्लोराइड पे एनएआई या फिर केआई की एक एसीटोन सॉल्वेंट में रिएक्शन करवा दीजिए रिएक्शन फॉरवर्ड 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 शिफ्ट होती चली जाएगी आरसीएल प्लस एनएआई एसीटोन आरआईएनसीएल और एनएसीएल एसीटोन के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एनएसीएल इन एसीटोन क्या करेगा जी प्रेसिपिटेट बना लेगा जो एनसियल है वो एसीटोन के अंदर प्रेसिपिटेट भाई वो आयनिक कंपाउंड है और एसीटोन एक नॉन पोलर 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 ऑर्गेनिक है तो वहां इसका प्रेसिपिटेशन होना हंड्रेड परसेंट फिक्स है एल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ऑफ फेलाइट एक्सचेंज बिकॉज एन एस सी एल एन ए बी आर आर इन सोल्यूबल इन द एसिटोन मान लीजिए मैं यहाँ एन एस सी एल और एन ए बी आर लिख कर बनाना चाहता हूँ आर सी एल आर बी आर तो भाई जो रिएक्शन करने वाला सबस्टांस है वो ही प्रेसिपिटेट बना देगा वही प्रेसिपिटेट बना देगा दैट्स रिएक्शन फॉरवर्ड जाने वाली नहीं है तो आरएच हुआ क्लोरीनेशन करवाया लाइट की प्रेजेंस में आरसीएल बना एचसीएल बना यहाँ क्या बन गया मिक्सचर ऑफ द अल्काइल लाइट क्योंकि क्लोरीन एक्सेस लेके चल रहे हो आप इसकी मैकेनिज्म में तीन स्टेप्स होंगे हेलोज़नेशन की मैकेनिज्म में चेन इनिशिएट करना चेन प्रोपेगेट करना और चेन को टर्मिनेट कर देना द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स चेन इनिशिएशन टेंपरेचर अच्छा खासा आपने ले रखा है टेम्परेचर आपने दो से दो टू से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है या फिर और मैं बच्चों को जनरली बोलता हूँ कि आपकी हेल्प के लिए एक फैक्टर है हेल्पर हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट परोक्साइड रेडिएशन हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट परोक्साइड रेडिएशन ठीक है जी तो ये मेरे पास एक हेलोजन हुआ टेम्परेचर हाई कर दिया गया होमोलाइज होकर दो फ्री रेडिकल बन गए दो एक्स डॉट अब ये इनिशिएट हो गया और एक हमेशा का रूल है चाहे तो आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जाकर ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ लें वह होता क्या है जो आपके क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोबन है ना बच्चे क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोबन ये जो क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोबन है ये जो क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोबंस है ये तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मैं आपको बताता हूँ जो फ्री रेडिकल बनता है वो रिएक्शन को कंटिन्यू ही करवा देगा मतलब एफ आर मेंोपिगेशन में एफ आर का बनना फिर कॉन्टिन्यू रहेगा अब आपको समझना क्या है जो डॉट फ्री रेडिकल बना था ना आपके पास वो एलकेन पर मिथेन इथेन प्रोपेन जो भी है उन पर अटैक करके होमोलाइज करवाकर कर एच एक्स और आर फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा सबसे तो इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है एक्स डॉट आर एच लेकर क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच ज्यादा है कभी भी के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ एच फ्री रेडिकल आपको प्रोपेगेशन स्टेप के प्रोडक्ट साइड में एच फ्री रेडिकल को अवॉइड करना है एच फ्री रेडिकल को अवॉइड करना है तो ये x नोट हुआ ये आर एच हुआ ये एच एक्स हुआ ये आर नोट हुआ ये आर नोट फिर एक्स से रिएक्ट कर गया rx बन गया x नोट बन गया ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों में से एल्केन या हेलोजन में से कोई एक खत्म ना हो जाए या दोनों खत्म हो जाए कुल मिलाकर और चेन प्रोपेगेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेप होता है चेन प्रोपेगेशन के बाद चेन टर्मिनेशन टर्मिनेशन में जितने भी आपके पास fr हैं All possible FR together. जितने भी पॉसिबल एफ आर है वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे आर डॉट एक्स आर एक्स बन गया आर डॉट आर डॉट आर आर बन गया तो इसमें डाइमेजिशन की पॉसिबिलिटी भी आपको साफ दिख रही है ठीक है जी तो रेडिकल इनिबिटर स्टॉप द चेन प्रोपेगेशन बाइ रिएक्टिंग विद फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स मान लीजिए कहीं आपके पास ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवा दी गई है क्लियर तो कहीं ना कहीं जो आपका एफआर है जो आपके पास फ्री रेडिकल कंटीन्यूअसली बनता जा रहा है उसका पाथ ब्लॉक हो जाएगा और जैसे ही पाथ ब्लॉक होएगा रिएक्शन वही रुक जानी है सो so, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस रिएक्शन का रास्ता रोक सकती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस रिएक्शन का रास्ता रोक सकती है हमें ध्यान रखना चाहिए तो परसेंटेज वगैरह का कैलकुलेशन नहीं करवाया हुआ है और वैसे भी वो आ, इस सिलेबस का पार्ट है नहीं है तो सिंपली आप रिएक्शन में काम कर सकते हैं कि हेलोजिनेशन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आइडिन रिएक्टिविटी ऑर्डर है फ्लोरीन थोड़ा सा डार्क में रिएक्ट कर लेगा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होएंगी क्लोरीन ब्रोमीन को बनाना आसान रहता है फ्लोराइड को बनाना हो तो आप लोगों को स्वाड करानी चाहिए और आइडर्ट्स को बनाना हो तो आपको फिंक स्टिंग करवानी चाहिए क्योंकि RI का बनना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द ऑफ एल्केन एंड आयोडीन के जी चलो अब हम नाइट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं एक यूनिक रिएक्शन जिसमें दो टाइप का 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 फिशन होगा भी 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 और CH का भी, CC का भी और अंडर सर्टेन This process is known as the nitration. Nitration of alkenes may be carried out in a vapor phase, क्योंकि कारण high temperature तो free radical बना पाएगा, high temperature ही free radical generate कर पाएगा, तो यहाँ temperature बड़ा ठीक ठाक है 150 से लेकर 470 पे वैसे पीछे भी ठीक ठाक ही था, चार पांच सौ degree के आसपास, तो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ helper helps in the free radical substitution reaction. अपोन अम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ मोनो मोनोनाइट्रो क्योंकि बोन्ड ब्रेक होंगे सीसी बॉन्ड ब्रेक भी होगा और सी एच बॉन्ड ब्रेक भी होगा सीसी बोन्ड ब्रेक भी होगा और सी एच बॉन्ड क्योंकि है ना बच्चे वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एसिड भी है जो आपके पास, जो आपके पास नाइट्रिक एसिड है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है दैट्स वाई यहाँ दो टाइप के बोन्ड फिशन आपको दिखेंगे एक तो सी सी बोन्ड फिशन होकर नाइट्रोमा और नाइट्रोमिथेन नाइट्रोमिथेन बन जाएगा और एक आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड ब्रेक होकर प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड ब्रेक होकर वन नाइट्रोप्रोपेन टू नाइट्रोप्रोपेन आपके पास आंसर आ जाएंगे के जी तो मैकेनिज्म क्या चली वही हाई टेम्परेचर की कंडीशंस है होमोलिसिस हुआ तो एफआर बन गए उन एफआर ने फ्री रेडिकल फिर जनरेट किए फर्दर उन्हीं फ्री रेडिकल ने NO2 से NO2 से रिएक्ट कर कर के अलग-अलग प्रोडक्ट बना लिए हैं टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्टिविटी पॉजिटिव इंडक्शन की वजह से ज्यादा है सेकेंडरी की उससे कम है और प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की सबसे

साफ सी बात है कि जो एल्केन है वो पैराफिन है लेस रिएक्टिव है और जो भी लेस रिएक्टिव सबस्टांस होंगे वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर और एसिड बेस किसी में भी घुलने वाले नहीं है तो सल्फोनेशन हमारी थर्ड रिएक्शन है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे SO3H ग्रुप लगा देंगे सल्फोनेशन ऑफ अ नॉर्मल एल्केन

वेरी इंपॉर्टेंट भाई एच टू सो फोर के साथ रिए इंटरस्ट सिंस ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन इन दल्फ्यूरिक एसिड ये बुरोलोड ऑप्टिकली एक्टिव थ्री मिथिल ऑप्टिकली एक्टिव थ्री माइल थ्री मिथाइल हेप्टेन इज रेसमाइज्ड इन द सल्फिर हम लोग कहीं ना कहीं इसमें इंटरमीडिएट कोई sp2 हाइब्रिड स्पीसीज बनी है और आपको पता है जब भी कभी sp2 हाइब्रिड स्पीसीज बन जाए तो उसमें फ्रंट बैक दोनों साइड से अटैक होकर रेसमिक मिक्सर को रेसमिक मिक्सर को कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट में बना पाते हो ये तो एन बिट ये तो आइसोब्यूटेन वाला केस हो गया जहाँ टर्शरी हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आंसर आ गया आपके पास लेकिन ये आपके पास है टर्शरी या फिर वही सेम आया तो रेट ऑफ सल्फोनेशन वही टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी का गेम रहेगा लेकिन एक बड़ी बढ़िया बात उसने जो लिखी थी कार्बोटा उसका जिक्र नहीं किया उसका यहाँ नामोनिशन दिया नहीं लेकिन वो अगर कह रहा है कि थ्री मिथाइल हेप्टेन को रेसमाइज करवाया तो एसपी टू स्पीसीज तो आपके पास फ्री रेडिकल भी होती है तो जब तक इसका ऑथेंटिक प्रूव हमारे पास नहीं आता है तब तक हम ये मान के चले एल्केन्स की फ्री रेडिकल के थ्रू चलती है तो, तो कुल तो मिलाकर यहां कोई एक ऑथेंटिक प्रूव नहीं है तो मिनिमम आप टर्शरी हाइड्रोजन मोड पर इसकी रिएक्टिविटी डाल सकते नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है क्लोरोसल्फोनेशन इसको रीड्स रिएक्शन बोलते हैं रीड्स रिएक्शन रीड्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ रीड्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एसओ टू सी टू एसओ टू सी टू का रिएक्शन करवाकर एल्काइल एल्काइल क्लोरो एल्काइल क्लोरो सल्फोनेट्स टाइप से बनाते हैं और मेनली इस रिएक्शन का यूज डिटर्जेंट्स बनाने में है इस रिएक्शन का यूज डिटर्जेंट्स बनाने में है ठीक है जी तो उसके बाद आइसोमेरिजेशन का रिएक्शन आपको मिलने वाला है और ज्यादा काम ना करते हुए इन लोगों ने कंबशन कराया और एरोमेटाइजेशन करवा के चैप्टर को खत्म कर दिया मतलब एल्केन्स की एंडिंग एरो मेन टारगेट होता है भाई इसके क्वेश्चंस करने का ना अगर क्वेश्चन निकलने लग जाए तो इसका मतलब फिर आपने चैप्टर ढंग से कर लिया है तो जल्दी से देख लेते हैं जी क्लोरोसल्फोनेशन और रिएक्शन विद एसो टू एंड सी टू

को कमर्शियल फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट में ये रिएक्शन हाईली यूजफुल है चलिए ये SO2 है आपके पास थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है इनसे मिसप्रिंट SO2 ये क्लोरीन है जी तो हुआ क्या वही दो फ्री रेडिकल इसका FR बना उसने सल्फर का FR बना दिया SO2Cl और ये जाकर सीधा एल्केन पर अटैक कर गया और आपके पास एन प्रोपाइल सल्फोनाइल क्लोराइड बन गया है सिमिलरली आप वन टू थ्री और टेन तेरह कार्बन में भी करके आप एन रिएक्शन करवाकर एक डिटर्जेंट बना सकते हैं एक डिटर्जेंट बना सकते हैं वही फंडामेंटल आगे उसने यूज किया हुआ देखो जी डिटर्जेंट बना अब देखिए आप ये आपके पास एक सल्फोनाइल क्लोराइड बन गया केमिस्ट्री इन एक्शन ट्वेल्थ क्लास में इसको पढ़ते हैं आप लोग सीएल हटाकर ओएच लगाएगा और फिर उसी को एन से एसिड तो एसिड बेस रिएक्शन कराकर सोल्ट बना देगा जो कि एक डिटर्जेंट का काम कर रहा है वैसे आपने शैम्पू का या टूथपेस्ट का कंपोजिशन कभी चेक किया हो तो वहां सोडियम डोडिकाइल सल्फोनेट लिखा रहता है ये सोडियम है बस तो ये तेरह कार्बन है और ये सल्फोनेट है तो ये एक डिटर्जेंट का रोल करता है एक डिटर्जेंट का रोल करता है, है। नेक्स्ट आइसोमेरिजेशन

वीडियो को देखें अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी टू मिनट्स की वीडियो जा रही